नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 मुर्गी के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा अंडा देती है, यानी दोस्तों टॉप 10 मोस्ट एग लेइंग चिकन ब्रीड के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो एक पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करने का, खास करके एक प्रोडक्शन के लिए, और आप कन्फ्यूज़ हो कि आप कौन सा ब्रीड पालना स्टार्ट करें, तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले यानी टॉप 1 पे जिस ब्रीड के बारे में बात करने वाला है वो है दोस्तों व्हाइट लेगहॉर्न। दोस्तों ये जो ब्रीड है ये सिर्फ और सिर्फ एग लेइंग पर्पस के लिए पालन किया जाता है। तो दोस्तों अगर इस ब्रीड के बॉडी के कलर के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों ये जो ब्रीड है ये सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर में ही देखने को आपको मिलेगा। दोस्तों अगर इस ब्रीड के फीमेल चिक्स के प्राइस के बारे में बात करेंगे इंडियन मार्केट में, तो लगभग दोस्तों जो है 40 से 50 रुपये के आसपास तक जो है आपको चिक्स अवेलेबल मिल जाएगा। दोस्तों ये डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस, सीजन टू सीजन अलग अलग, क्योंकि हर एक सीजन में जो चिक्स का प्राइस होता है दोस्तों वो अप एंड डाउन होते रहता है। और दोस्तों ये जो मुर्गी है ये 115 से लेके 120 दिन के अंदर में ये अंडा देना स्टार्ट कर देती है, मतलब इस दिन के अंदर में जो है ये मैच्योरिटी स्टेज पे आ जाती है, मतलब लेइंग स्टेज पे आ जाती है। दोस्तों अगर इस ब्रीड के एवरेज बॉडी वेट के बारे में बात करेंगे जब ये लेइंग स्टेज पे आती है दोस्तों, तो वो लगभग जो है 1200 से लेके 1300 ग्राम के आसपास जो है एक मुर्गी का वजन हो जाता है। दोस्तों ये मुर्गियाँ साल भर में लगभग 300 से लेके 320 अंडा जो है दे देती है। दोस्तों अगर इस ब्रीड के अंडों के कलर के बारे में बात करेंगे तो इस ब्रीड के जो अंडों का कलर होता है दोस्तों वो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर में ही देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर जो अंडा होता है उसका अगर एवरेज वजन के बारे में बात करेंगे, एक अंडे के वजन के बारे में, दोस्तों जो है लगभग 55 से लेके 60 ग्राम के आसपास तक वजन हो जाता है। अब नेक्स्ट 2 नंबर पर जो ब्रीड के बारे में बात करेंगे दोस्तों वो है RIR। दोस्तों इस ब्रीड के अगर बॉडी के कलर के बारे में बात करेंगे तो मोस्टली जो है आपको रेडिश और ब्राउनिश कलर में ही आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इस ब्रीड के फीमेल चिक्स के प्राइस के बारे में बात करेंगे इंडियन मार्केट में, तो लगभग जो है 40 से लेकर 70 रुपीज़ के आसपास तक वो चिक्स अवेलेबल मिल जाएगा। दोस्तों ये डिपेंड करता है सीजन टू सीजन, प्लेस टू प्लेस अलग अलग, मतलब हर एक सीजन में हर एक प्लेस के अकॉर्डिंग जो है प्राइस अप एंड डाउन होते रहता है, कम ज़्यादा होते रहता है। दोस्तों ये मुर्गी जो है ये अंडा देना स्टार्ट करती है लगभग 130 दिन से लेके 140 दिन के अंदर में, मतलब 130 से लेके 140 दिन के अंदर में जो है ये लेइंग स्टेज पे आ जाती है। दोस्तों अगर इस ब्रीड के एवरेज बॉडी वेट के बारे में बात करेंगे जब ये लेइंग स्टेज पे आती है तो जो है 1500 से लेके 1650 ग्राम के आसपास तक एक मुर्गियाँ हो जाती है। और दोस्तों ये मुर्गियाँ साल भर में लगभग 230 से लेके 300 अंडों का जो है उत्पादन एक मुर्गी बहुत ही इजीली कर लेती है। दोस्तों अगर इस ब्रीड के अंडों के कलर के बारे में बात करेंगे तो टोटली आपको ब्राउनिश कलर में ही जो है आपको इसके अंडे देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर इस ब्रीड के एक अंडों की एवरेज वजन के बारे में बात करेंगे तो लगभग 55 से लेके 60 ग्राम के आसपास तक एक अंडों का वजन हो जाता है। अब दोस्तों 3 नंबर पे जो मुर्गी के बारे में बात करेंगे वो है BB380। दोस्तों इस ब्रीड के अगर बॉडी के कलर के बारे में बात करेंगे तो ये मोस्टली जो है ब्राउनिश कलर में, ब्राउन कलर में ही आपको जो है अवेलेबल देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर इस ब्रीड के फीमेल चिक्स के प्राइस के बारे में बात करेंगे इंडियन मार्केट में, तो दोस्तों जो है लगभग 40 से लेकर 70 रुपीज़ के आसपास तक आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर बात करेंगे ये मुर्गी कब से अंडा देना स्टार्ट करती है, तो लगभग जो है 140 से लेके 145 दिन के आसपास से जो है ये मुर्गी अपना अंडा देना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों इस मुर्गी के अगर एवरेज बॉडी वेट के बारे में बात करेंगे जब ये लेइंग स्टेज पे आती है, जब ये मैच्योरिटी स्टेज पे आती है, तो लगभग 1500 से लेके 1600 ग्राम के आसपास तक एक मुर्गी का वजन बहुत ही इजीली हो जाता है। दोस्तों ये मुर्गियाँ साल भर में लगभग 230 से लेके 285-290 तक जो है अंडा अपना उत्पादन एक मुर्गी कर लेती है बहुत ही अच्छे से। अगर दोस्तों इस ब्रीड के अंडों के कलर के बारे में बात करेंगे तो आपको हल्का व्हाइट के साथ हल्का ब्राउनिश कलर में देखने को मिलेगा। अब लास्ट में अगर बात करेंगे इस ब्रीड के अंडों के वजन के बारे में, तो जो है लगभग आपको 50 से लेकर 55 ग्राम के आसपास तक एक अंडों का वजन बहुत ही ईजिली हो जाता है। अब दोस्तों 4 नंबर पे जिस मुर्गी के बारे में बात करेंगे वो है ब्लैक एस्ट्रोलॉप। दोस्तों अगर इस ब्रीड के बॉडी के कलर के बारे में बात करेंगे तो मोस्टली जो है आपको ब्लैक कलर में ही देखने को मिलेगा।
और दोस्तों कभी कभी ब्लू और वाइट में भी ये मुर्गी देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर इस ब्रीड के फीमेल चिक्स के प्राइस के बारे में बात करेंगे तो लगभग जो है 40 से लेके 50 रुपीस तक जो है आपको बहुत ही इजीली इंडियन मार्केट में मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर इसके एवरेज बॉडी वेट के बारे में बात करेंगे जब ये लेइंग स्टेज पे आती है तो दोस्तों जो है लगभग आपको 1500 से लेके 1750 ग्राम के आसपास तक एक मुर्गी के वजन आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये मुर्गियां साल भर में लगभग 230 से लेके 250 अंडा का जो है उत्पादन बहुत ही इजीली कर देती है। अब दोस्तों अगर बात करेंगे इस ब्रीड के अंडों की कलर के बारे में तो जो है मोस्टली आपको लाइट ब्राउन कलर में ही इसके अंडे देखने को मिलेगा। दोस्तों इस ब्रीड के अंडों के एवरेज वजन के बारे में बात करेंगे तो लगभग जो है 50 से लेके 60 ग्राम के आसपास तक एक अंडों का वजन हो जाता है। अब दोस्तों 5 नंबर पे जिस मुर्गी के बारे में बात करेंगे वो है दोस्तों ग्राम प्रिया। दोस्तों अगर इस मुर्गी के बॉडी के कलर के बारे में बात करेंगे तो ये जो मुर्गी है ये बहुत सारे कलर में मल्टी कलर में देखने को आपको मिलेगा। दोस्तों इस मुर्गी के अगर फीमेल चिक्स के प्राइस के बारे में बात करेंगे इंडियन मार्केट में तो जो है लगभग आपको 40 से लेके 60-65 रुपीस तक जो है आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। दोस्तों ये मुर्गी लगभग 140 से लेके 150 दिन के अंदर में जो है ये अंडा देना स्टार्ट करती है, ये लेइंग स्टेज पे आ जाती है। दोस्तों अगर इस मुर्गी के एवरेज बॉडी वेट के बारे में बात करेंगे जब ये लेइंग स्टेज पे आती है तो जो है लगभग आपको 1400 से लेके 1450 ग्राम तक जो है एक मुर्गी का वजन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये मुर्गी साल भर में लगभग 190 से लेके 240 तक जो है ये अंडा उत्पादन कर लेती है एक मुर्गी। अब लास्ट में इसके अंडों का जो वजन होता है दोस्तों वो लगभग 45 से लेके 52 ग्राम के आसपास तक एक अंडों का वजन हो जाता है। दोस्तों अब 6 नंबर पे जिस मुर्गी के बारे में बात करेंगे वो है पॉलीमाउथ रॉक। दोस्तों इस मुर्गी के अगर बॉडी के कलर के बारे में बात करेंगे तो ये जो मुर्गी है ये बहुत सारे कलर में देखने को मिलेगा, जैसे व्हाइट, ब्लू, सिल्वर और भी बहुत सारे। दोस्तों अगर इस मुर्गी के फीमेल चिक्स के प्राइस के बारे में बात करेंगे इंडियन मार्केट में तो लगभग जो है आपको 40 से लेके 50 रुपीस तक जो है आपको चिक्स अवेलेबल मिल जाएगा। अब दोस्तों ये मुर्गियाँ लगभग 126 से लेके 140 दिन के अंदर में जो है अपना अंडा का जो उत्पादन है वो स्टार्ट कर देती है, मतलब इतने दिन के अंदर जो है ये मैच्योरिटी स्टेज पे लेइंग स्टेज पे आ जाती है। दोस्तों अगर इस मुर्गी के एवरेज बॉडी वेट के बारे में बात करेंगे जब ये लेइंग स्टेज पे आती है तो लगभग आपको 1200 से लेके 1400 ग्राम के आसपास तक एक मुर्गी का वजन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये मुर्गियाँ साल भर में लगभग 200 से लेके 250 अंडों का जो है उत्पादन एक मुर्गी कर लेती है बहुत ही अच्छे से। दोस्तों अगर इस ब्रीड के अंडों के कलर के बारे में बात करेंगे तो जो है मोस्टली आपको लाइट ब्राउन कलर में ही इसके अंडे देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर एक अंडे के वजन के बारे में बात करेंगे तो जो है आपको 45 से लेके 50 ग्राम के आसपास तक एक अंडों का वजन देखने को मिलेगा। दोस्तों अब 7 नवंबर पे जिस मुर्गी के बारे में बात करेंगे वो है ससेक्स। दोस्तों इस मुर्गी के अगर बॉडी के कलर के बारे में बात करेंगे तो ये जो मुर्गी है ये मोस्टली आपको सिल्वर, व्हाइट, रेड कलर में देखने को मिलेगा। दोस्तों इस ब्रीड के अगर फीमेल चिक्स के प्राइस के बारे में बात करेंगे इंडियन मार्केट में तो लगभग जो है आपको 40 से लेकर 50 रुपीस के आसपास तक इसके चिक्स जो है अवेलेबल मिल जाएगा। दोस्तों ये मुर्गियाँ अंडा देना स्टार्ट करती है लगभग 120 से लेकर 140 दिन के अंदर में। दोस्तों इस मुर्गी के अगर एवरेज बॉडी वेट के बारे में बात करेंगे जब ये लेइंग स्टेज पे आती है तो जो है ये 1400 से लेके 1600 ग्राम के आसपास तक इसके बॉडी का वजन हो जाता है। अब दोस्तों ये जो मुर्गी है ये साल में लगभग 220 से लेके 300 अंडों का जो है उत्पादन कर लेती है एक मुर्गी। दोस्तों इस मुर्गी के अगर एक की कलर मतलब अंडों की अगर कलर के बारे में बात करेंगे तो मोस्टली आपको जो है ब्राउन कलर में ही इसके अंडे देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर इस मुर्गी के अंडों के वजन के बारे में बात करेंगे तो लगभग जो है आपको 45 से लेकर 50 ग्राम के आसपास तक एक अंडों के वजन देखने को मिलेगा। अब 8 नंबर पे जिस मुर्गी के बारे में बात करेंगे वो है गोल्डन कॉमेट। अगर इस मुर्गी के बॉडी के कलर के बारे में बात करेंगे तो मोस्टली जो है आपको गोल्डन कलर में ही इस मुर्गी को देखने को मिलेगा। दोस्तों ये मुर्गियाँ लगभग 120 से लेके 130-135 दिन के अंदर में जो है अपना अंडा उत्पादन स्टार्ट कर देती है, एक लेइंग स्टेज पे आ जाती है। दोस्तों अगर इस मुर्गी के बॉडी के वेट के बारे में बात करेंगे एवरेज बॉडी वेट के बारे में तो जब ये लेइंग स्टेज पे आती है तो लगभग आपको जो है 1500 से लेके 1600 ग्राम के आसपास तक मुर्गी का वजन देखने को मिल जाएगा। अगर बात करेंगे इस मुर्गी साल भर में कितना अंडा देती है तो ये लगभग 250 से लेके 300 अंडों का जो है उत्पादन साल भर में बहुत ही अच्छे से कर लेती है। अब अगर बात करेंगे इसके अंडों के कलर के बारे में तो मोस्टली जो है आपको ब्राउन कलर में ही इसके अंडे देखने को मिलेगा।
लास्ट में दोस्तों अगर बात करेंगे एक अंडों के वजन के बारे में, तो लगभग जो है 55 से लेकर 60 ग्राम के आसपास तक एक अंडों का वजन आपको देखने को मिल सकता है। अब आ जाते हैं 9 नंबर पे। तो 9 नंबर पे जिस मुर्गे के बारे में बात करेंगे वो है लोमन ब्राउन। दोस्तों अगर बात करेंगे इस मुर्गे के बॉडी के कलर के बारे में, तो मोस्टली जो है आपको इसके ब्राउन कलर में ही इसके जो है देखने को मिलेगा। अब अगर बात करेंगे ये मुर्गी कब से अंडा देना स्टार्ट करती है, तो ये मुर्गी लगभग 130 से लेके 140 दिन के अंदर में जो है अपना अंडा उत्पादन स्टार्ट कर देती है, एक लेइंग स्टेज पे आ जाती है। अब अगर बात करेंगे इसके एवरेज बॉडी वेट के बारे में, तो लगभग जो है आपको 1450 ग्राम से लेके 1550 ग्राम के आसपास तक एक मुर्गी का वजन देखने को मिलेगा जब ये लेइंग स्टेज पे आ जाती है। बात करेंगे अगर साल में ये मुर्गी कितना अंडा देती है, तो दोस्तों ये लगभग 300 से लेके 350 अंडा उत्पादन साल भर में बहुत ही अच्छे से कर लेती है। अब अगर बात करेंगे इस मुर्गी के अंडों के कलर के बारे में, तो मोस्टली जो है आपको ब्राउन कलर में ही इसके अंडे देखने को मिलेगा। लास्ट में दोस्तों इसके अंडों की जो वजन होता है, एक अंडों के वजन वो 60 से लेके 63-65 ग्राम के आसपास तक एक अंडों का वजन हो जाता है। अब दोस्तों लास्ट यानी 10 नंबर पे जिस मुर्गी के बारे में बात करेंगे वो है बफ ऑर्पिंगटन। दोस्तों ये इस मुर्गी के अगर बॉडी के कलर के बारे में बात करेंगे, तो ये मुर्गी जो है मोस्टली आपको गोल्डन से लेके येलो कलर में देखने को मिलेगा। ये मुर्गी अपना अंडा देना स्टार्ट करती है लगभग 140 से लेके 160 दिन के अंदर में, मतलब इतने दिन में जो है ये लेइंग स्टेज पे आ जाती है। अगर इस मुर्गी के बॉडी के एवरेज वजन के बारे में बात करेंगे, तो जो है आपको 1500 से लेके 1600 ग्राम के आसपास तक एक मुर्गी का वजन देखने को मिलेगा जब ये मैच्योरिटी स्टेज पे आ जाती है। दोस्तों ये साल भर में लगभग 180 से लेके 220 तक जो है अपना अंडा उत्पादन कर देती है एक मुर्गी। दोस्तों अगर बात करेंगे इस मुर्गी के अंडों के कलर के बारे में, तो जो है आपको लाइट ब्राउन में ही इसके अंडे देखने को मिलेगा। और लास्ट में दोस्तों इसके अंडों के वजन के बारे में अगर बात करेंगे, तो जो है आपको 55 से लेकर 60 ग्राम के आसपास तक एक अंडों का वजन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बस आज का था ये एक छोटा सा वीडियो 10 मुर्गी के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा अंडा प्रोडक्शन करती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लेना। तो दोस्तों मिलेंगे कभी किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, जय किसान।